A very good morning, students. Today we study the chapter number 6th, fun with give and take. And जो जो हम लोगों ने पढ़ा है here, this is at all. So मैं इसको वीडियो में कन्वर्ट करके आपको सेंड कर रहा हूँ और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको उनको भी करना है. और जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है, मतलब जो लैंग्वेज दी हुई है वो भी आपको नोट करनी है और इसके आंसर्स भी नोट करने हैं. और जो क्वेश्चंस पीछे मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ उन्हें भी आपको होमवर्क में अपनी प्रैक्टिस में करने हैं. लाइक द फर्स्ट वन इज़ ट्राई इट योरसेल्फ क्वेश्चन था. गीता हैड रुपीज़ 368 इन हर पर्स. शी बॉट अ बुक फॉर रुपीज़ 123. हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन हर पर्स. क्वेश्चन का मतलब ये है कि गीता एक लड़की है जिसके पास उसके पर्स में 368 रुपीज़ हैं. उसने एक बुक खरीद ली जो कि 123 रुपीज़ की है. अब उसके पर्स में कितने पैसे बचे, लेफ्ट मतलब होता है कितने पैसे बचे. तो हेयर द थिंग इज़ टोटली सिंपल दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. कितना बचा मतलब आपके पास कितना था, अब कितना कम हो गया और आपके पास कितना बचा, मीन्स हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज सिंपल सब्ट्रैक्शन. 8 माइनस 3 यू विल गेट 5, 6 माइनस 2 यू विल गेट 4 एंड 3 माइनस 1 यू विल गेट 2. सो द आंसर इज 245. सो द रुपीज़ दैट आर लेफ्ट इन योर इन हर पर्स इज रुपीज़ 245. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज नबीलाज मदर सेंट हर टू द मार्केट टू बाई सम थिंग्स. शी गेव हर रुपीज़ 245. नबीला बॉट 1 kg घी फॉर रुपीज़ 127. नबीला की मम्मी ने उसको मार्केट भेजा है कुछ सामान लेने के लिए. उन्होंने उसे टोटल 245 रुपीज़ की दिए हैं और नबीला ने 1 kg का घी का पैकेट कोई लिया है जो कि 127 रुपी का है. द शॉपकीपर गेव हर बैक रुपीज़ 98 और शॉपकीपर ने उसे कितने रिटर्न किए, 98 रुपीज़. डिड द शॉपकीपर गिव हर द राइट अमाउंट, क्या जो वापस किया है वो सही अमाउंट है कि नहीं. अब हमें ये चेक करने के लिए खुद सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिर से वही वाली बात आ रही है कि आपके पास कितने रुपए थे अब कितने बचे. ठीक ना, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. डेट्स 245 माइनस 127. अब 5 से आप 7 तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि 5 एक छोटी डिजिट है और 7 बड़ी डिजिट है. तो हम क्या करेंगे, इस 5 को बड़ा करने के लिए इस 4 से हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, टेंस प्लेस कैरी ले लेंगे. जिससे क्या हो जाएगा, जिससे ये जो आपका 5 है ये कन्वर्ट हो जाता है 15 में और जो ये 15 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आ गया 8. फिर आपने एक टेंस कैरी करके दिया था तो यहाँ पर जो 4 है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 3 में. एंड 3 माइनस 2 करेंगे देन यू विल गेट 1. और जो ये 2 है यहाँ से आपने कुछ भी कैरी नहीं लिया है तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1. सो द आंसर इज़ 118 रुपीज़ मस्ट बी लेफ्ट. लेकिन वापस कितने किए थे, 98. तो ये अमाउंट गलत है और सही अमाउंट 118 होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व है कि बेबी टॉर्टवाइज है जो 33 ईयर ओल्ड है और जो उसकी मम्मी टॉर्टवाइज हैं दैट इज़ 150 ईयर्स की हैं. तो हाउ मच यंगर इज़ बेबी टॉर्टवाइज देन मम्मी टॉर्टवाइज, मीन्स कितना वो उनसे यंग है, कितना उनसे छोटा है. तो हम छोटे की बात करते हैं, कौन कितना छोटा है, देन हम इसमें भी सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 150 माइनस 33 दिया है. 0 एक छोटी डिजिट है, हम माइनस नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से एक कैरी लेंगे और 0 को क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे. जैसे ही ये 0 को यहाँ पे कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे ये 10 बन जाएगा. 10 में से क्या होगा, 10 में से 3 जाएगा, माइनस होगा, दैट इज़ 7. जब आपने कैरी लिया तो डेफिनेटली 5 भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, दैट इज़ 4 हो जाएगा. 4 में से 3 जाएगा देन यू विल गेट 1. और जो वो वाला 1 था वो तो आपने टच किया नहीं है, उससे आपने कुछ कैरी आउट नहीं किया है तो वो बचेगा 1. मीन्स 117 ईयर्स वो उससे छोटा है, कौन, बेबी टॉर्टवाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरविंद हैज़ रीड 69 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक. गौरी हैज़ रीड 95 पेजेस ऑफ दैट स्टोरी. हु रीड मोर पेजेस एंड हाउ मैनी मोर, किसने ज़्यादा पढ़ा और कितना ज़्यादा पढ़ा. तो डेफिनेटली गौरी ने ज़्यादा पढ़ा है बिकॉज शी इज़ हैविंग 95 पेजेस एंड अरविंद हैव ओनली 69 पेजेस. सो द फर्स्ट आंसर इज़ दैट गौरी रीड द मोर पेजेस एंड बाई हाउ मच, तो कितना ज़्यादा है या कितना कम है. यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर से 5 छोटा है, देन वी विल मेक इट 15 बाई टेकिंग कैरी फ्रॉम 9. तो 15 माइनस 9 करेंगे 6 और 9 फिर आपका हो जाएगा 8 क्योंकि आपने उसको कैरी दे दिया है. 8 माइनस 6 देन यू विल गेट 2. सो द आंसर इज 26 मोर पेजेस. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रीना नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग ऑफ हर हाउस. लास्ट मंथ रीडिंग वॉज 118 यूनिट्स.
दिस मंथ्स रीडिंग इज 193 यूनिट्स, मींस उसने क्या किया है, अपने घर का जो मीटर है उसको काउंट किया है कि वो कितना यूनिट बिजली यूज़ करती है। तो दिस मंथ में दिया हुआ है दैट 193, सो आप यहाँ लिख देंगे 193। लास्ट मंथ में कितना था, 118, ये भी आपको देखिए गिवन है यहाँ पर 118 एंड 193। देन कितना ज़्यादा उसने यूज़ किया एक महीने में, या फिर उसने कितना यूज़ किया मतलब लास्ट मंथ से नेक्स्ट मंथ के बीच में करीब उसने कितनी यूनिट्स का यूज़ किया, देन आपको यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपको पता है हम बड़े डिजिट्स में से छोटे को माइनस करते हैं, तो 193 बड़ा है, 118 छोटा है। देन 193 माइनस 118 जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है 13 बड़ा हो जाएगा, मतलब 13 कर देंगे क्योंकि 3 छोटा है। 13 माइनस 8 करेंगे देन 5, आपने कैरी लिया था तो यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया दैट इज 7, और आपने 8 बनाया है और ये 1 को टच नहीं किया था, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, मीन्स यू आर गेटिंग 75 यूनिट्स दैट इज़ यूज्ड इन अ 1 मंथ। दीज ऑल आर द क्वेश्चंस दैट हमने जो आज हमने डिस्कस किए थे क्लास में। ये जो क्वेश्चंस हैं होमवर्क में हैं, ये सब्ट्रैक्शन वाले और नेक्स्ट ये एडिशन वाले, ये दोनों क्वेश्चंस हैं। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, जब आप पॉज कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस आराम से दिख जाएंगे। इन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और जो इसके आंसर्स हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया सब्ट्रैक्शन का, पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है एडिशन का, मैं फिर से इसको पॉज करने के थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप इसको यहाँ पॉज करिएगा, आराम से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इनका आंसर्स देखेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।